घर में कितने भी लोग हो फिर भी घर वीरान लगता है, एक बेटी ना हो तो घर कब्रिस्तान लगता। जब भी छूता हूँ बेटी तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का मखमली मैदान लगता है, वही अपना परियों का हिंदुस्तान लगता है। प्रयाग संगम कही जाती है, जहाँ जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश को बेटियों के नाम से उस भारत का मस्तक ऊंचा होता है, उस देश में बेटियों को रोजा जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय योगी और मोदी सरकार से आप पूछना चाहते हैं कि आपका यह नारा कहाँ गया? यही प्रयागराज के बगल सौ चकिया धरारा की बेटी के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, उसके साथ निर्मम हत्या कर दी जाती है। मित्रों, बलात्कार के साथ उसका एक एक अंग काट दिया जाता है, उसका पांव से लेके हाथ तक तोड़ा जाता है। यहाँ तक भी उनकी दरिंदगी नहीं रुकती है, एसिड से उनके ऊपर अटैक किया जाता है कि एक एक अंग उसकी न बच पाए। हैवानियत कहाँ तक ये जा रही है? मित्रों, रूह कांप जाता है, क्योंकि आज उस बहन श्रद्धा के साथ हुआ है, कल हमारे बहन बिटिया के साथ हो सकती है, परसों आप के बहन बिटिया के साथ हो सकती है, या आवाम या जो रैली जो ये जो इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रुकने वाली नहीं। आप देख रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन प्रतिदिन हमारी बहनों पे बलात्कार और आत्महत्या की केस बढ़ती जा रही। मित्रों, आप कहाँ सोए हुए हैं? मित्रों, आपकी नींद आपकी हृदय कहाँ रुक गई है कि आपकी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, आप चैन की नींद सो रहे हैं? सोचिए कि किस तरह हत्या होती है, और यहाँ पुलिस प्रशासन कहती है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी बहन की लापता की रिपोर्ट 3 दिन पहले लिखाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन प्रयागराज सोती है, अगर 3 दिन प्रयास करती तो हमारी बहन सुरक्षित घर वापस आ सकती। लेकिन ये योगी की सरकार, ये योगी के प्रशासन अपनी चैन मंद मस्त होके सो रही। 3 दिन बाद अपनी बहन की लाश आती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि पोस्टमार्टम करने के साथ संगम पे उस लाश को दफना दिया जाए, जिससे कि कोई सबूत ना मिले। फिर हम तमीन नौजवान साथियों ने जब 31 आवाज उठाए तो किसी तरह वह लाश धरहरा पहुंचा। वह आने के बाद भी हम लोग का यह मनसा था कि जिला अधिकारी प्रयागराज और SSP महोदय आए, हम सभी की बातों को सुने, और हम सभी जाम करने वाले थे, 100 चक्का जाम करने वाले थे, लेकिन प्रशासन को भनक हुई और प्रशासन ने अपनी लाठी और बट्टों के दम पे हमारी माताएं बहने हमारे साथियों उस घर की बहनी की बाप को भी बेटे को भी खदेड़ने का काम किया। आप सोचिए, इतनी संवेदनाएं इतनी हत्याएं हुई, उस घर पे भी आप लाठियां चला रहे हैं। वही प्रशासन जब तक बॉडी थी तो कहती थी कि पोस्टमार्टम आने दीजिए, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट लगाएंगे। जब वह जान दे कि हमारा सबूत को प्रशासन बलपूर्वक जला दिया, तब उसके बाद कहती है कि वो आनर की नील का मामला है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी और यह प्रशासन उस मामले को लिपापोती करना चाहती है, या चाहती है कि यह दबाव बन जाए कि वह किसी एक दलित की बेटी थी। लेकिन महोदय, यह ध्यान रखिए,
वह बेटी किसी एक समुदाय की नहीं होती है, वो बेटी पूरे भारत की बेटी कही जाती है, क्योंकि बेटियों की कोई जात नहीं होती है, न ठाकर, न ब्राह्मण, न दलित, न जवान, न पासी, न यादव, यह आपकी भ्रम है, क्योंकि बलात्कारियों की भी कोई जात नहीं होती है, जिनके मुंह से खून लग जाता है वह किसी जात समुदाय को नहीं देखता है। इसलिए दोस्तों देखिए, आज तक एक हफ्ता लगभग होने जा रहा है, अभी बलात्कारियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। यह सोचने की बात है, यह दुख की बात है कि हमारी बेटी के बलात्कारों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। दोस्तों फांसी की बात तो अभी दूर तक, तो आप बहुत गहन अध्ययन करिए, दलगत राजनीति से उठिए और बेटी की न्याय की मांग करिए। अगर राजनीति करेंगे तो बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है। और आइए अपने अंदर की लौ को जलाइए, आइए अपने उस बेटी की न्याय के लिए सड़कों पे उतरे और जल्द आप सभी मिलकर एक फैसला करिए कि जितना जल्द से जल्द हो जिलाधिकारी का शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से हम विरोध करेंगे, नहीं तो बेटी को न्याय मिलने वाला नहीं, क्योंकि वह गरीब परिवार की हमारी बात, उस गरीब परिवार को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप। मेरे नौजवान साथियों, अंत पंक्तियों के साथ अपना विदा लेंगे कि घर में कितने भी लोग हो फिर भी घर वीरान लगता है, एक बेटी ना हो तो घर कब्रिस्तान लगता है, जब भी छूता हूँ बेटी तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का मखमली मैदान लगता है, वही अपना परियों का हिंदुस्तान लगता है। मेरे नौजवान साथियों, बेटियों को रोदने का काम नहीं कर रहे, वह हिंदुस्तान को रोदने का काम कर रहे हैं, और आइए हम एक साथ एक आवाज़ उठाते हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, इन दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने के लिए एक साथ आवाज़ लगाते हैं। पंचधा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पंचधा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बलात्कारियों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, उसको फांसी दो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई कि आप इस संघर्षों के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, उससे पहले हमारे बीच में हम लोगों के सीनियर माननीय राम अभिलाष सरोज जी मौजूद है। मैं आपसे चाहूँगा कि इस आंदोलन के संदर्भ में कम से कम समय में आप अपनी बात रखने का कार्य करें, माननीय राम अभिलाष सरोज जी। दोस्तों, आज बहुत ही दुख की घड़ी में हम लोग उपस्थित हुए हैं, और सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि एक 12 वर्षीय बच्ची जो कि चकिया खरहरा सासों की रहने वाली थी, जिस निर्ममता से उसकी हत्या की गई है, अगर केवल फोटो देख लें तो रूह कांप जाती है। लेकिन अभी तक जो हफ्ता भर बीत जाने के बाद और उन मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, ये बहुत ही शर्मनाक दिन है, और ये हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारी बेटी है, कल सब तुम्हारी बेटी होगी, परसों आपकी बेटी होगी। अगर इस तरह से चलता रहा, इस तरह से जो है शासन प्रशासन खोए रहे, तो फिर गुंडा राज तो है ही है, गुंडा राज तो चल ही रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अगर इतना दिन बीतने के बाद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए बलात्कारी, जब भी मर्डर करने वाले, जिस तरह से बीभत्स हत्या हुई है, अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो हमें जो है, अगर ये सही ढंग से पकड़े गए होते, असली मुजरिम पकड़े जाते, तो हमें आज ये बोलने की नौबत ही ना आती। जब न्याय नहीं मिला तो हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च करें किए हैं, और मैं उन नौजवानों को जो है बार बार जो है नमन प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस संघर्ष को 8 दिन तक जिंदा रखा, और मैं ये वादा करता हूँ ये संघर्ष जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आगे चलता रहेगा, चाहे जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं ये वादा करता हूँ कि आप जहाँ भी बुलाएंगे, हमको कल वहाँ बुलाया गया, वहाँ भी गया, आज मैं गया, और हमने लोगों से पर्सनली फ़ोन कर करके कहा कि भाई लोग आप आइए, कल ये बेटी है।